हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ आज रोटियों का पोहा कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, लंबा लंबा काट लिया है, एक हरी मिर्च काट लिया है, हरा धनिया चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने चार रोटियाँ ली हुई हैं और इनको छोटा छोटा मैंने तोड़ लिया है टुकड़ों में। और ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी है, उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो गैस मैंने सबसे पहले गैस पे रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है हमारा, मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी एक पिंच हींग और डालूँगी मैं आधा चम्मच जीरा। इसको मैं हींग और जीरा में बना रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर राई भी यूज कर सकते हैं। तो हींग और जीरा भुन जाने के बाद मैंने यहाँ डाल दिया है प्याज और प्याज को मैं भून लूँगी। और प्याज के साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी हरी मिर्च, जो मैंने एक हरी मिर्च ली थी उसको छोटा छोटा काटा था तो मैंने उसको भी यहाँ डाल दिया है प्याज के साथ में। इन दोनों को मैं अच्छे से भून लूँगी। प्याज हमारी जैसे ही भुन जाती है तो अब मैं यहाँ मसाले डालना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैं यहाँ लूँगी धनिया पाउडर। आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बहुत ज़रा सी लाल मिर्च ली है, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चटपटा बनाना है। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और उसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने जो रोटी छोटी छोटी तोड़ी थी उनको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इनको मैं अच्छे से मसाले में मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद मैं इनको 10 से 20 सेकंड चलाऊंगी और उसके बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। तो नमक डालने के बाद मैं इसको भी इसमें रोटियों में अच्छे से मिक्स करूँगी। तो गाइस नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी यहाँ मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। पानी मैं इतना डालूँगी कि रोटियाँ हमारी जो हैं जब पकेंगी तो सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं करना है कि ये चिपकने लगे, चिपकी चिपकी बने। हमें इनको एकदम से खिला खिला पोहा बनाना है इनका, तो उस हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है कि हमारी रोटियाँ सॉफ्ट हो जाएँ। तो देखिए गैस मैं कितना पानी डाल रही हूँ, अंदाजे से मैं धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। लगभग आधा कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको एकदम से धीमी आंच पर पकाऊंगी। गैस को एकदम से धीमी आंच पर कर देना है, उनको पकाना है। तो फ्रेंड्स अब मैं इनको 3 से 4 मिनट बाद चेक कर रही हूँ और हमारा जो पोहा है वो बनके तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए हमारी रोटियाँ कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है इसमें। तो अब मैं इसको कुछ देर के लिए ढक दूँगी, गैस को बंद कर दूँगी और मैं इसको ढक दूँगी और 5 मिनट बाद इनको दिखाऊँगी आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इनको 5 मिनट बाद खोल रही हूँ और ये देखिए कितना अच्छे से पोहा बना है। आप इनको नाश्ते में सुबह खा सकते हैं और रोटियाँ भी यूज हो जाती हैं। आप इनको बची हुई रोटियों से आसानी से बना सकते हैं और घर के बच्चों को बड़ों को ये नाश्ते में शाम के टाइम खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ये सर्व करके दिखाती हूँ कैसी लग रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो खिला खिला पोहा है वो इस तरह का बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।